सीधा रुख करेंगे भोपाल का, तो भोपाल से हमारे संवाददाता गब्बर सिंह ठाकुर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गब्बर, आज क्या क्या खबरें दिन भर जिले में सुर्खियों में बनी रहने वाली हैं? जी बिल्कुल, देखिए सिमरन जी, क्योंकि आज अगर हम खबरों की बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की। सीएम शिवराज आज 11 बजे के आसपास, जो कि वक्त बिल्कुल सही समय चल रहा है, स्मार्ट सिटी में जो पौधारोपण है वहां पर जाएंगे और मीडिया से चर्चा करेंगे। उसके बाद में उनके स्थानीय कार्यक्रम और भी हैं। यहीं पर राजधानी भोपाल में करोड़ों की लागत से वन विभाग का एक भवन बनाया गया है, 4 मंजिला भवन है, इसका सीएम शिवराज लोकार्पण करेंगे। क्योंकि अभी कहा जाए प्रदेश के हिसाब से वन विभाग का जो भवन था वो नहीं था इतना बड़ा, जिसकी वजह से जो वन विभाग के कर्मचारी हैं या वन विभाग की जो गतिविधियां हैं वन विभाग को देखने के लिए या वनों को संरक्षण करने के लिए सही तरीके से काम नहीं हो पा रहा था, तो इसको लेकर के एक भवन बनाया गया है। बड़ी जगह में ये भवन बना है, 4 मंजिला भवन बना है, इसका सीएम शिवराज लोकार्पण करने वाले हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो कमलनाथ की, तो कमलनाथ जी चूंकि कांग्रेस कार्यालय उनका 11 बजे समय पहुंचने का दिया गया है, लेकिन चूंकि अभी थोड़ा वक्त और लग रहा है, यहाँ शिल्पी जो कार्यकर्ता है शिल्पी प्रकोष्ठ के, इन लोगों का एक सम्मेलन होने जा रहा है। उस सम्मेलन में कहा जाए कि पीसीसी चीफ कमलनाथ पहुंचेंगे। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो जो ट्रांसपोर्टर्स हैं वो ट्रांसपोर्टर्स सरकार से नाराज चल रहे हैं। काफी समय पहले उन्होंने सरकार से अपनी मांगे रखी थी और विशेष तौर से उनकी जो मांग थी वो ये थी कि उनके जो वाहन है वाहनों से बैरियल पर अवैध रूप से उगाई की जाती है, जिससे वह काफी परेशान है। सरकार के सामने कई बार अपनी मांग रख चुके हैं लेकिन उनकी मांग पूरी नहीं हुई है, जिसकी वजह से आज वह राजधानी भोपाल में एक महापंचायत करने जा रहे हैं और ये पूरी महापंचायत कांग्रेस के बैनर तले की जा रही है। इधर दूसरी तरफ अगर हम बात करें कमलनाथ की, तो कमलनाथ जी ने पहले ही कह दिया था कि हमारी जैसे ही सरकार आएगी और जो ये गतिविधियां चल रही हैं इन गतिविधियों को विशेष तौर से बंद किया जाएगा। किसी भी कहा जाए कि जो ट्रांसपोर्टर्स हैं या व्यापारी हैं उन्हें किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें चयनित भर्ती परीक्षा को लेकर के जो अभ्यर्थी है वो आज धरने पर बैठने जा रहे हैं और धरने पर विशेष तौर से मुंडन कराने जा रहे हैं। उनका कहना है कि काफी समय से सरकार से वो मांग कर रहे हैं, करीबन 2 महीना हो चुके हैं, 2 माह से वो धरना आंदोलन कर रहे हैं। सरकार से भी उन लोगों ने गुहार लगाई हुई है, गृह मंत्री के यहाँ भी गुहार लगा चुके हैं, राजधानी भोपाल के नीलम पार्क में भी वो प्रदर्शन कर चुके हैं कि जो हमारी मांगे हैं जो हमारी नियुक्ति है वो नियुक्ति की जाए, लेकिन उनकी नियुक्ति नहीं हो रही है। चयनित मंडल की यहाँ भी वो धरना आंदोलन कर चुके हैं, अब आज वो मुंडन कराने की बात कह रहे हैं कि मुंडन करा करके सरकार के सामने ये विरोध प्रदर्शन करेंगे। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें कि पॉलिटिक्स की, तो पॉलिटिक्स को लेकर के नरोत्तम मिश्रा ने गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दिग्विजय सिंह के उस बयान पर पलटवार किया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि गृह मंत्री आतंकी टाइप के लग रहे हैं, उनकी जो गतिविधियां हैं जो बात करने का या जो कामकाज चल रहा है वो आतंकी जैसा। तो इधर पे नरोत्तम मिश्रा ने पलटवार किया है और उन्होंने कहा है कि हम तो उन्हें आतंकी ही लगेंगे क्योंकि जाकिर नाइक तो उनके लिए दोस्त लगते हैं। जी गब्बर, मौसम को लेकर क्या अपडेट्स आए हैं? मौसम विभाग ने लगातार मौसम में हो रहे बदलाव को लेकर क्या अलर्ट जारी किया है? जी बिल्कुल, देखिए मौसम विभाग ने कहा है कि अभी तक जिस तरीके से मौसम में बदलाव हो रहे थे, बारिश हो रही थी, जो अलर्ट दिया जा रहा था, लेकिन अब वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी गति उसकी बदली जाएगी और धूप चूंकि निकलेगी और धूप का लोगों के लिए आनंद मिलेगा। जो बारिश का दौर है वो तेज बारिश का जो अलर्ट जारी किया जा रहा था वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा अब थमेगा और आज वही स्थिति देखने को भी मिल रही है राजधानी भोपाल में। फिलहाल में धूप हो रही है, छांवले यानी बादल है आसमान में, लेकिन ऐसी कहीं कोई ऐसी स्थिति नहीं बनी है कि जो बारिश के जैसा लग रहा हो कि बारिश होने वाली है या आंधी तूफान आएगा या जोरों की बारिश होगी, लेकिन ये जरूर कहा है कि हाँ हल्की फुल्की बारिश हो सकती है। विशेष तौर से उन्होंने 2-4 जिले भी उसमें से इंकित किए हैं
जैसे सागर है, नर्मदापुरम का होशंगाबाद है, पिपरिया है, ये जगह है रतलाम में, यहाँ पर बारिश थोड़ी बहुत हो सकती है। राजधानी भोपाल में भी थोड़ी बहुत बारिश हो सकती है, लेकिन जिस तरीके से जो बारिश हो रही थी, जो अलर्ट जारी किया गया था, रेड येलो अलर्ट जो जारी थे, वो कहीं ना कहीं अब उसमें गिरावट आएगी और धूप भी देखने को लोगों को मिलेगी। जी जी गब्बर, तमाम जानकारियों के लिए आपका धन्यवाद।